अगर किसी के यहाँ पे भी बेटी पैदा होती है और वो अगर मतलब डीजे बजवाना चाहे तो दो टॉप और एक सेट मेरी तरफ से फ्री। किसी गरीब बेटी की शादी अगर मान लो ऐसे हमने कम कर भी रखे हैं तो उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते। अच्छा, जो कावड़ मेला है वो भोले बाबा का है, उसमें केवल भोले बाबा के ही भजन चला है। भजन कोई किसी और के भी चला सकते हो आप, मतलब देवी देवताओं के किसी के भी भजन चला सकते हो, लेकिन जातिवादी गाने ना। आपको आप जिस डीजे के फैन हो उसे आप नंबर वन लिख दो, किसी की भी वीडियो में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसकी वीडियो आप देख रहे हो उसके लिए गलत कमेंट मत किया करो भाइयों, सभी का प्रेम बना के रखो। छत्तीस बिरादरी से मुझे बहुत प्यार है। देखो मैं कहना, अगर मान लो हमारा जिससे आज तक कंपटीशन नहीं हुआ तो हमारे तो बहुत अच्छी बातचीत है, पार्टी वजह से उनसे मेरा कंपटीशन हो गया तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया पार्टी वजह से कंपटीशन हो, उसके बाद में अपने आपस में प्रेम बना के रखते हैं। हर डीजे वाला छोटे से बड़ा डीजे वाला जो मतलब जिनका ट्रोला बुक होता है वो यही सोच के जाता है कि इस बार मेरा नंबर वन है। हर कोई मेहनत करता है। ज्यादातर इशारे जो गलत करते हैं जो डीजे के ऊपर बैठे रहते हैं ना पार्टी वाले वो करते हैं, तो मैं भाईयों आपसे कहना चाहूंगा आप नीचे जाकर सुनो, दोनों डीजे को सुनो और तब बताओ कि कौन सा डीजे अच्छा बज रहा है। आप बैठे हो हमारे डीजे बैठे हो, क्या पता दूसरा डीजे हमसे अच्छा बज रहा है, तो वहां से गलत इशारे मत करो। इधर एक खाड़ी ये है, इसमें पूरी 10 बेस लगेंगी फ्रंट पे। अभी बात कर रहा है तो आपका ये हमारे 2017 में बने हुए लाइनर थे, हमने 8 लाइनर बनाए थे 2017 में। अच्छा, लाइनर ही पूरा ट्रैक्टर पे टांग दिया, खत्म कर दिया, बहुत अच्छे बजते थे ये भी। हमारे एक बेस है, ये भी बेस है, ये लाइनर देखो, ये चीज भी हमारे भाई और ट्रेंडिंग में है दोस्तों। ये है जो सबसे अनोखी चीज है इनके पास अभी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, धड़कन डीजे। और देखो ये कौन सी कंपनी के स्पीकर है ये। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम आए हैं अनुज डीजे यानी कि धड़कन डीजे के पास, जिनके ओनर है अनुज भाई। और दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा कमेंट आ रही थी कि धड़कन डीजे दिखाओ, उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू और रिव्यू दिखाओ उनकी गाड़ी का, तो इसलिए आज हम आ चुके हैं अनुज भाई के पास। तो दोस्तों आज हम डिटेल बाय डिटेल सारी इनकी जर्नी और कितने में ये बुक करते हैं, इनके पास क्या क्या सामान है, सब कुछ दिखाएंगे। बने रहो हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो कुछ करते हैं वार्तालाप, चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले अनुज भाई आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। सबसे पहले तो मनोहर भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पास आए, हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सज्जन आदमी है अपने अनुज भाई, और लोग बागों की बहुत ज्यादा कमेंट आती है मेरे पास कि मनोहर भाई आप जाओ अनुज भाई की वीडियो बनाओ। तो करते हैं कुछ सवाल जवाब। अनुज भाई सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि आपसे कि आपने जो धड़कन डीजे अपनी डीजे का नाम रखा है वह क्या सोच समझ कर रखा है, और ये पहले आपके दिमाग में था जब आपने डीजे बनाया था या फिर बाद में रखा है? मनोहर भाई जब हमने डीजे नहीं था हमारे पास नहीं बनाया था तो हम ऐसे नाम सोचते रहते थे। सबसे पहले जो हम द रॉक डीजे रखने का नाम मतलब ये सोचते थे कि हम अपने डीजे नाम द रॉक रखेंगे, लेकिन रॉक डीजे मेरठ में पहले से ही है, उनका जबकि अलग काम है, हमारा अलग काम है, इवेंट के काम करते हैं, बहुत अच्छा काम है उनका भी। तो हमने सोचा कि कुछ नाम हटके रखा जाए जो आसपास में किसी का नाम नहीं हो, तो हमने ये धड़कन नाम रखा। और धड़कन नाम रखने के बाद हमें बहुत प्यार मिला सभी भाइयों का, बहुत ज्यादा। तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, अनुज भाई की अनुज भाई पे जो काम आता है, देखो ऊपर वाले बाबा का मैं चाहता हूँ कि आशीर्वाद अनुज भाई पे बना रहे, इतना काम आता है शायद पूरे मेरठ में किसी पे नहीं आता, और बहुत ही ज्यादा आता है। देखो हम तो चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही आता रहे। तो अनुज भाई अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो डीजे का काम स्टार्ट करा था वो कब किया था? ये हमने मनोहर भाई 2008 में स्टार्ट किया था, यानी कि 15 साल हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी, 2008 में हमने जुलाई अगस्त के महीने में 4 टॉप ली थी ओमेगा की शुरू में। अच्छा, 4 टॉप ली थी, 2 मॉस्फेट लिए थे, एक प्रोटोन था 2000 वाट। अच्छा, एक और था उसका मेरे नाम याद नहीं है फिलहाल, लेकिन बहुत अच्छी बजती थी हमारी वो 4 टॉप। और जब हमने बनाई थी तो ऐसे ही पहले प्रचार किया था अपने आसपास के सभी गांवों में। हाँ जी, तो मतलब तो उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला हमें। तो पहले जो बुकिंग आप करते थे वो इसी हिसाब से करते थे या पहले कुछ ज्यादा पैसे मिलते थे? मतलब ना पहले पैसे देखो कम मिलते थे क्योंकि 4 टॉप थी उस टाइम पे, 7.5 KV की जनरेटर चलती थी वो 4 टॉप। अब तो आपको बताया 8 बेस का डीजे लगाना पड़ता है, इसमें जनरेटर 82 KV तक है, 40-64-82 KV होता है। तो फिर उसी से मतलब आपने 4 टॉप से ही काम स्टार्ट, 4 टॉप से ही हमने सब कुछ किया था। तो मतलब उसमें अलग से भी आपने कुछ पैसे लगाए थे इतना बड़ा डीजे सेटअप बनाने के लिए, या उन्हीं से ही मतलब सब कुछ उनसे ही करते आ रहे हैं हम? पहले 4 टॉप थी, उसके बाद हमने 2 टॉप 12 इंची ली और बनाई, मतलब 2 टॉप 12 इंची की, 4 टॉप फिर और ली।
तो अभी आपके पास कितना टोटल सामान होगा? अभी तो हमारे पास 40 बेस के करीब है। 40 बेस, बाकी आप पूछ रहे हो, देखो मुझे याद नहीं एकदम से भाई कितना सामान है, मैंने गिन रखा है। अच्छा, अभी मतलब आपने एस्टिमेट नहीं लगाया आपके पास क्या क्या सामान है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि भाई को प्रॉपर नहीं पता है कितना सामान है। तो आपके पास गाड़ी कितनी है अभी? टोटल 4 गाड़ी है हमारे। 4 गाड़ी है। अच्छा, मान लो जैसे मेरठ के आप रहने वाले हो, अगर लोकल में कोई बुक करता है आपके डीजे को, कितना चार्ज कर लेते हो आप एक बुकिंग का? मनोहर भाई, सबसे पहले तो देखो चार्ज होता है डेट के हिसाब से हमारा। अच्छा। जो कुछ हैवी डेट है तो उनका चार्ज अलग रहता है, बाकी नॉर्मल जो है 18,000, 20,000, 22,000, 16,000 तक भी हम बुक कर देते हैं, मतलब लोकल में। हाँ जी, लोकल। और एक बात और, किसी गरीब बेटी की शादी अगर मान लो ऐसे हमने कम कर भी रखे हैं तो उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते। अच्छा, केवल अगर डीजल भी डलवा देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमने ऐसे देखो कई वो काम कर रखे हैं, अब कोई आता नहीं ऐसे तो देखो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। बाकी अब भी मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आएगा आसपास किसी के पास अगर पैसे की वो है, अपनी बेटी की शादी में डीजे लगवाना चाहेगा तो हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, इन्होंने बिल्कुल दिल को छूने वाली बात कही है कि अगर कोई गरीब बेटी है बहन तो उनकी जो शादी होती है बिल्कुल एकदम फ्री में डीजे लगाया जाएगा। बस इतना, अगर उनका मन चाहे तो, अगर चाहे उनका मन तो तेल का खर्चा दे सकते हैं, बाकी इन्होंने अपनी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं करी है। तो अनुज भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप हरिद्वार गए थे, हरिद्वार में मैंने देखा है कि पूरे हरिद्वार में जैसा आपके बेस का प्रेशर आ रहा था, ऐसा किसी के बेस का प्रेशर नहीं आ रहा था। तो आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहोगे कि आप कौन से स्पीकर यूज करते हो? स्पीकर हमारे पास ऑडियो टोन के भी हैं, मिनी टोन के भी हैं, और एक हमारे विशाल डीजे वाले हैं, खटाना ग्रेटर नोएडा में पड़ता है, दादर के पास। अच्छा, तो उनकी कंप्लीट बेस भी हमारे पास, उनका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये मान लो कंपनी को टक्कर देते हैं बिल्कुल। अच्छा, जो उनके मतलब खुद के, हाँ उनकी जो खुद की बेस है, हाँ जी, हाँ जी, खुद असेंबल करते हैं, और लेकिन उनकी बेस बहुत अच्छी बजती है उनकी भी। ये आज 2 अक्टूबर है, 2023 2 अक्टूबर आज, तो आज मैं अपनी तरफ से ये बात बोलता हूँ, मेरे आस पास जो गाँव है, जैसे मेरा गूमी गाँव हो गया, गगोल हो गया, गोरडा हो गया, खेड़ा खानपुर, और जिधर नराड़ा हो गया, जुन्नापुर हो गया, लिसाड़ी और फपुंडा और काजीपुर, इन आसपास के गांवों में अगर कोई भी भाई जिसकी मतलब आर्मी में नौकरी लगती है, तो जिस दिन वो अगर ट्रेनिंग पर जाएंगे अपने घर से, तो हम चाहेंगे कि उनके यहाँ हमारे डीजे जावे बिल्कुल फ्री में। अच्छा। देशभक्ति गीतों के साथ उन्हें हम गाँव के बाहर तक छोड़ कर आए। तो दोस्तों, तो भाईयो कॉन्टेक्ट नंबर जो है मनोहर भाई डाल देंगे मेरा, आप कोई भी मतलब कोई जिस भाई की मतलब आर्मी में लगी हो जो, शायद उन पे मेरा नंबर ना हो, तो उनके गांव का आसपास के रहने वाले वो लड़का कोई भी बता सकता है उन्हें, जिसकी भी नौकरी लगेगी और जो भी भाई ट्रेनिंग पे जाएगा आर्मी में, हमें कांटेक्ट करें, धड़कन डीजे बिल्कुल फ्री में, तेल भी हम अपने आप गिरवाएंगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसका। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा, आप सबके लिए एक संदेश दिया है हमारे अनुज भाई ने। अच्छा अनुज भाई, चलो हमने माना कि पूरे हरिद्वार में आपका बेस का प्रेशर बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन जैसे कि मानते हैं हर किसी का कोई ना कोई डीजे वाला एक बढ़िया होता है, मतलब जिसे वो मानता है कि इसका बढ़िया डीजे बज रहा है, या ये मतलब इसका सामान बढ़िया है, या उसका फैन होता है एक तरीके का। तो आप हरिद्वार में आपको कोई ऐसा डीजे छोटा बड़ा कोई भी डीजे दिखा जिसके आप मतलब थोड़े तारीफ कर सके, कोई ऐसा? देखो तारीफ क्या, मैं तो ये कहूंगा कि सभी के डीजे बहुत अच्छे बजे थे, ये इलेक्ट्रॉनिक चीज है, लेकिन हाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा कि भाइयों कभी भी, मैं आप सभी डीजे वाले से कहना चाहता हूँ कि कभी भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, पता नहीं कब धोखा दे जाए। तो मैंने यही कहा था, हमारे राकेश भैया है मेरठ से ही यूट्यूबर, वो मेरे पास आए थे, उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए थे, तो मैंने उनसे कभी ये बात कही थी कि राकेश भाई इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसके ऊपर मैं बड़े बोल तो कभी बोल नहीं सकता, बाकी अगर भोले बाबा की कृपा रही तो वाइब्रेशन हमारी नंबर वन रहेगी, वाइब्रेट पूरे हरिद्वार, और भोले बाबा की पूरी कृपा रही, नंबर वन वाइब्रेशन हमारी थी इस बार, बिल्कुल हकीकत है भाई। मैं बता रहा हूँ कि मैं इनके डीजे पे खुद आया था और डीजे अजीत इनके डीजे को ऑपरेट कर रहे थे, कसम से ऐसा वाइब्रेट पंच मार रहे थे इनके बेस जो है कि पूरे हरिद्वार में माहौल ही बना रखा था, और मुझे तो लगता नहीं कि वाइब्रेशन में इनसे तगड़ा कोई डीजे गाया था। तो जैसे कि अनुज भाई, मैंने एक गाड़ी देखी है बागपत साइड में डीजे धड़कन के नाम की, लेकिन वो बागपत साइड में है और आप रहते हो मेरठ में, तो उसका क्या रोल है, जो वो गाड़ी वो तुम्हारी है या उसी किसी और की है? नहीं, वो गाड़ी बागपत में कोई गांव है सिरसली शायद, पता नहीं क्या नाम है गाँव का, वहां से एक धड़कन डीजे। अच्छा, तो देखो उनके पे हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, हिंदी या इंग्लिश का? हाँ जी, हमारे में इंग्लिश में लिखा हुआ है, वो भाई काम कर रहे धड़कन नाम से, बहुत अच्छी बात है, अपना काम करते रहे भाई।
तो मतलब हमारी कभी भी कोई जरूरत पड़े हम उनके लिए तैयार है हमेशा। तो यानी के कहने का मतलब ये है कि वो ओरिजिनल नहीं है जो धड़कन आपको, देखो वो तो मुझे नहीं पता भाई ओरिजिनल है नहीं है, वो तो पब्लिक को पता है, हमारा धड़कन अलग है। अच्छा, उनका धड़कन अलग है, हमारे पे जो है टाटा पे इंग्लिश में लिखा हुआ है धड़कन, उनके पे हिंदी में लिखा हुआ है। बस मेरा तो यही कहना है कि जितने भी सभी डीजे वाले भाई है मैं तो ये कहूंगा कि सभी का काम अच्छा चले और सभी को जितना भी मतलब जिसके नसीब में जो हो वो मिलेगा। अच्छा, कुछ जैसे डीजे वाले हैं आजकल कहते हैं कि मतलब डीजे के काम में कुछ कमाई नहीं रही है, कि मान लो जैसे कि कोई डीजे की बुकिंग करने गया एक डीजे वाले के पास, वहां जाके उसने 8 बेस का डीजे सेटअप बुक करा, दूसरे ने बताए 16,000 रुपए, फिर वो दूसरे के पास गया, क्योंकि ग्राहक जो होता है एक तरीके से, क्योंकि वो इधर से उधर उधर से उधर जहां पैसे मतलब सस्ते होंगे वहां जाएगा, तो उसके मामले में डीजे वालों को कुछ कहना चाहोगे आप कि मतलब एकता बना के रखे ऐसा कुछ? देखो भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं कहूंगा भाई मैं 18,000 रुपए ले रहा हूँ तो तुम भी 18 लेना, मैं 20 ले रहा हूँ तो तुम भी 20, जितने में आपका बजट आ रहा है आप बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राहक की बात यह है, हर कोई एक सा ग्राहक नहीं होता, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, जिसे धड़कन डीजे बुक करना है तो वो धड़कन ही करेंगे, चाहे उन्हें 20,000 में मिले धड़कन, 25,000 में मिले, चाहे 15,000 में मिले, जिन्हें अमर डीजे बुक करना वो अमर ही करेंगे, चाहे वो 25,000 में मिले 20,000 में मिले। ये एक बात होती है, बस जो बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तुमने हमारी बुकिंग काट ली, तुमने हमारी बुकिंग, हो जाता है ऐसा भी कि कोई डीजे वाले से कहते हैं कि भाई इतने पैसे बताना, वो नहीं, वो बता रहे हैं 20,000 रुपए तो कोई कर ले 12,000 में, देखो वो उनकी एक अपनी हो वही कर रहे हैं, और बाकी एक ग्राहक भी ऐसा होता है कि उन्हें सस्ता चाहिए तो वो एक दूसरे से रेट लेकर किसी का भी डीजे बुक कर सकते हैं, बाकी जिन्हें जो चाहिए तो वो वही बुक करेंगे। तो मनोहर भाई ग्राहक की तो देखो ये बात होती है, मान लो जैसे कई बार ऐसा हुआ हुआ है कि हमारे डीजे बुक है और उनकी शादी की डेट तय हो गई, तो अगर उन्हें धड़कन ही डीजे चाहिए ना तो वो डेट चेंज कर लेते हैं, ऐसा कई बार हुआ हुआ है, और मेरठ में नहीं सहारनपुर तक ऐसा होता है, सहारनपुर लक्सर साइड में भी ऐसा हुआ हुआ है कि कई भाइयों ने अपनी शादी की डेट भी चेंज कर ली कि उन्हें धड़कन डीजे ही करना, धड़कन डीजे ही चाहिए। हाँ जी, और कंपटीशन की बात देखो ये रही, भाइयों पार्टी की वजह से कंपटीशन हो जाते हैं तो कोई भी डीजे वाला भाई आपस में मनमुटाव ना करे, ये तो होते रहते, देखो पार्टी पैसा दे रही है अपने एंजॉय के लिए दे रही है, वो कंपटीशन करने के लिए बोलते भी हैं। अब थोड़ा सा ये है, मैंने बोल दिया कि भाई मैं मुझे इस डीजे से कंपटीशन नहीं करना, तो जो भी कोई डीजे बुक करना आएगा भाई मैं तो पहले ही बोल दूंगा उनसे ये बात कि भाई मैं उस डीजे से कंपटीशन नहीं करूंगा, तो फिर पार्टी गलत बात, अगर फिर जबरदस्ती करूंगा मैं तो नहीं करूंगा। जी जी जी, बाकी ऐसा कंपटीशन मेरे भाई होता रहता है, आपस में मन मुटाव नहीं करें, प्यार करें। ये तो एक डीजे जो है ये हमेशा जो अब आजकल चाल चलन है वो कंपटीशन के मतलब के ज्यादा हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो डीजे वाला भाई कोई भी आपस में मन मुटाव ना रखो, एक दो दो गाने में कर लो, ये तो हार जीत देखो चले, ये तो चलता रहेगा, देखो एक तो जीतेगा ही, एक तो बराबर भी रहते हैं, तुमने देखा होगा पहलवान अखाड़े में लड़ते हैं, कुश्ती जीत भी जाता है पहलवान और एक हारता भी उनमें से, और ऐसा भी होता है कि कुश्ती 15-15 मिनट की होती है ना, वो बराबर है जाओ बराबर चल। एक चीज और मैं सभी डीजे वाले ऑपरेटर से कहना चाहूंगा, जितने भी डीजे पे हमारे ऑपरेटर हैं, डीजे वाले भाई थोड़ा ध्यान रखें इस चीज का, एक तो टाइम का, और एक कहीं अगर स्कूल है कॉलेज है तो उसके पास भी अपना डीजे साउंड जो है कम कर लें, और कहीं पे अस्पताल है तो भी कम कर लें, क्योंकि बहुत सी जगह दिक्कत हो जाती है, देखो हर कोई झेल नहीं पाता वाइब्रेशन, हम हैं खड़े रहते हैं डीजे के पास, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत से ऐसे हैं बिल्कुल डीजे के पास खड़े रहते हैं, उनकी पढ़ाई पे हाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाजी बाजी होते हैं बड़े, जो उम्र में ज्यादा बड़े होते हैं तो उन्हें भी दिक्कत हो जाती है, और जवान लड़के को भी दिक्कत होती है बहुत से, हर किसी का दिल एक सा नहीं होता, अगर कोई तो इसलिए समय समय के हिसाब से डीजे बजावे, तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे स्कूल है और अभी पढ़ाई चल रही है तो अपना डीजे साउंड कम कर लें, आवाज कम कर लें डीजे की, और कहीं पे अस्पताल है तो भी कम कर लें। अगर कोई आपसे आके कहता है कि मंदी कर लो आवाज, यानी कर लेनी चाहिए, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो तभी वो कहेगा, नहीं तो देखो बहुत से भाई हमारे ऐसे थे भाई बेस खोलो, और किसी को बेस पसंद है किसी को नहीं है, तो समय के हिसाब से जो करना है वो करें, कोई कह रहा है कम कर लो भाई कम कर लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई कह रहा भाई बढ़ा दो तो मतलब तुरंत ना बढ़ावे, थोड़ा सा कि भाई अभी किसी भाई ने कहा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, टाटा आगे भी निकलते जा रहे, थोड़ा आगे जाके बढ़ा ले, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उसमें, ये हकीकत बात है दोस्तों। अच्छा मैं अभी एक सवाल पूछ रहा था, जैसे यात्राएं चलती हैं, जैसे कि माता रानी की यात्रा होती है और भोले बाबा के अभी सावन गया है हाल फिलहाल में, तो इसमें जो जातिवाद बिरादरी के गाने बजते हैं, क्या आपको लगता है ये सही होता है? ये सही नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, ये गाने अभी देखो जाति बिरादरी गाने तो अभी से आए हैं, 2-4 साल से आए, पहले नहीं थे, पहले बिल्कुल भोले बाबा के भजन ही चलते थे, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा अपने ब्याह शादी में जिस बिरादरी की भी शादी है उसमें खूब बजावें, दबा के गाने बजावें, बिरादरी के ही बजावें, लेकिन
जो कांवड़ मेला है वो भोले बाबा का है, उसमें केवल भोले बाबा के ही भजन चला हुए। भजन कोई किसी और के भी चला सकते हो आप, मतलब देवी देवताओं के चला सकते हो, किसी के भी भजन चला सकते हो, लेकिन जातिवादी गाने ना चला हुए भाई आगे से। तो दोस्तों देखो, अनुज भाई वैसे तो गुजर है, लेकिन इतने इन्होंने बहुत ही प्यार से ये संदेश दिया है। देखो कोई भी जाति बिरादरी हो, सबसे 36 बिरादरी से भाईचारा है इनका, और ये चाहते हैं कि कोई मतलब ऐसा क्या है कि अगर हम किसी बिरादरी का गाना चलाते हैं दूसरे को बुरा लगता है, फिर वो कहता है कि भाई हमारी बिरादरी का चलाओ, ये तो एक बिरादरी पक्ष हो गया। तो इसलिए बिरादरी का गाना कोई ना चलाए अपने डीजे पे ऐसा यात्रा में, तो सिर्फ बाबा के गाने या माता रानी के गाने ही बज सकते हैं। एक बात और भाई, जैसे मान लो किसी का यूट्यूब चैनल है, किसी भी डीजे की वीडियो डालते हैं या किसी का इंस्टाग्राम पे चैनल है, तो मतलब कोई गलत कमेंट ना करे। अगर आपको, आप जिस डीजे के फैन हो उसे आप नंबर वन लिख दो, किसी की भी वीडियो में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसकी वीडियो आप देख रहे हो उसके लिए गलत कमेंट मत किया करो भाइयों। सभी का आपस में प्रेम बना के रखो। 36 बिरादरी से मुझे बहुत प्यार है। देखो मैं कहता हूँ किसी दूसरे डीजे वाले को होना हो, लेकिन मुझे 36 बिरादरी से बहुत प्यार है और सभी का मैं मान सम्मान करता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप कह रहे थे कि अनुज भाई से तो तुम्हारा मतलब 36 का आंकड़ा है, कि आप तुम अनुज भाई की वीडियो नहीं बनाते या कसाना की वीडियो नहीं बनाते। दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है, देखो सबसे मेरा भी बहुत प्रेम है, बस मैं तो थोड़ा फैमिली में फंस जाता हूँ तो इसी वजह से आ नहीं पाता। देखो अनुज भाई ने, मैंने सुबह फोन किया, बहुत ही प्यार से अनुज भाई ने बुलाया, और अभी आपके सामने बिल्कुल इंटरव्यू चल रहा है, और अभी इनके डीजे का रिव्यू करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, गलत कमेंट मत क्या करो। मैं जो वीडियो बनाता हूँ अपने पर्पज से बहुत अच्छी वीडियो बनाता हूँ, एकदम रियल होती है। एक भाई और है हमारे, उन्होंने कमेंट किया था, अच्छा। सही कमेंट किया उन भाइयों ने भी, कोई बात नहीं कि भाई आप कसाना डीजे वाले से छिड़ते हो गया, जलते हो गया, आप उन्हें कभी बड़ाई नहीं करते। तो भाई उमेश मेरा बड़ा भाई है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ। ऐसा हो जाता है, मैंने उस वीडियो में भाई ये कहा था कि भाई किसी का अगर नाम मैं भूल गया हूँ तो देखो उस चीज के लिए सॉरी। मैंने जो नाम लिए थे मुरादाबाद से आने के बाद मैंने एक वीडियो डाली थी, हाँ, तो भाई उमेश भाई अपने आप में एक ब्रांड है, बहुत अच्छा डीजे है उनका। मैंने डीजे बनाने से पहले उनका तो हमसे काफी साल पुराना डीजे है, हम चार टॉप का डीजे चलाते थे जिस टाइम, उन पर तीन बेस का डीजे था, तो मैं भी उनके डीजे का फैन रहा हूँ और अब भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा डीजे बजता है उमेश भाई का, और अपने आप में वाकई में उमेश भाई एक ब्रांड है। तो देखो ये तो आपस में कंपटीशन चलता रहता है, डीजे वालों का थोड़ा सा मनमुटाव हो जाओ तो इसे खत्म कर दिया करो कंपटीशन होने के बाद। बाकी इस चीज में भाई कोई उमेश का था ना भाई के फैन को मैं कहना चाहता हूँ, भाई हो जाता है कभी कभी। देखो अब मान लो मैं उमेश भाई का नाम ले रहा हूँ, तो बहुत से डीजे वाले मेरे भाई जिनसे मुझे बहुत अच्छा प्रेम है, अब मैं उनका नाम ले रहा था ऐसे तो वो भी बुरा मान सकते हैं। अब जैसे एक साथ, लेकिन सभी डीजे वाले बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। ये तो हो जाता है पार्टी के, कंपटीशन हो जाता है आपस में। अगर मान लो हमारा जिससे आज तक कंपटीशन नहीं हुआ तो हमारे तो बहुत अच्छी बातचीत है, पार्टी के उनसे मेरा कंपटीशन हो गया तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हो गया पार्टी वैसे कंपटीशन हो, उसके बाद में अपने आपस में प्रेम बना कर रखें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत बढ़िया एक संदेश अनुज भाई ने दिया है कि आपस में भाईचारा बना कर रखें, चाहे कोई भी बिरादरी का हो, क्योंकि अगर आप भी एक ही लाइन में हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जरूरत पड़ी जाती है। बिल्कुल भाइयों, बहुत डीजे अच्छे अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक लक होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। इस बार हमारा डीजे अच्छा बजा 2024 में, पता नहीं। देखो हर डीजे वाला छोटे से बड़े डीजे वाला जो मतलब जिनका ट्रोला बुक होता है वो यही सोच के जाता है कि इस बार मेरा नंबर वन है। हर कोई मेहनत करता है, तो भाइयों वही वाली बात है पहलवान वाली के एक ही जीतता है। तो मेहनत करो, अगली बार शायद 2024 में कोई भी नंबर वन हो सकता है। और डीजे की बात अगर मैं करूं, देखो बहुत नामी नामी डीजे हैं, देवधारीपुर हो गया, पहलवान डीजे रिश्तल हो गया, और जी क्या नाम है नोएडा से हो गया हमारे महाकाल डीजे गिरधरपुर है, रावण डीजे वाले हैं, आर के तूफान अमरोहा से, ये भी बहुत अच्छा डीजे बजता है। तो देखो अब भी भाइयों बहुत नाम रह जाएंगे, लेकिन बहुत डीजे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे बजते हैं। मैं तो सभी को कह रहा हूँ भाई सभी डीजे अच्छे बजते हैं, किसी का मैं नाम नहीं ले पा रहा, सबके नहीं ले भी नहीं सकता, देखो याद भी नहीं है इतने नाम। एक हमारे गुरु जी हैं रिंकू बिलास डीजे वाले, विशाल खटाना डीजे। और भाइयों एक बात और, इस बार मुरादाबाद के मेले में अभी मनोहर भाई ने पहले पूछी थी कि आपको कोई अच्छा डीजे लगा, देखो वहां तो मैंने इस चीज पे ध्यान इतना दिया नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ मुरादाबाद के मेले में कांवड़ यात्रा में जो सबसे क्वालिटी वाली आवाज मुझे लगी रोक पटाड़ी की, रोक पटाड़ी हाँ जी, डीजे रोक पटाड़ी, हाँ जी हाँ जी, वो साइड में भी रोक लिख रहा था, साइड में भी रोक लिख रहा था, सही कह रहे हैं। धर्मेंद्र भाई हैं डीजे के ओनर हमारे, पटाड़ी गांव पड़ता है। अगर दोस्तों आपने वीडियो नहीं देखी, मैं अनुज भाई को रोक के कहना चाहूंगा, एक मैंने कॉम्पिटिशन बनाया है डीजे आर के वर्सेस डीजे रोक, उसमें बिल्कुल बीच में खड़े होकर एक कॉम्पिटिशन बनाया है,
बहुत से लोग भाई होते हैं आर के डीजे के फैन, बहुत से लोग रॉक डीजे वालों के फैन है, लेकिन आपको उसमें क्लियर पता चल जाएगा, बढ़िया एकदम, मैं किसी को नहीं कह रहा, लेकिन दोनों ही डीजे एकदम नंबर वन बज रहे थे पूरे मुरादाबाद में। और देखो अनिल भाई का अपनी जगह अलग रुतबा था, लेकिन उन दोनों की टक्कर बढ़िया हो रही थी। बहुत से डीजे अच्छे बजे हैं, हमारे गुरु जी हैं विशाल खटाना डीजे वाले। हाँ मैं कई बार उनका डीजे देखने गया तो मुझे एक बार भी बजता हुआ नहीं मिला, और ना मैंने उनसे कहा, क्योंकि मैं कभी भी अगर उनके पास गया तो रात का समय ज्यादा हो रहा था और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं उनसे कहूँ कि गुरु जी एक गाना सुनाओ। लेकिन सब बता रहे कि बहुत अच्छा डीजे बजा, और भी बहुत डीजे बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे डीजे बजे, ऐसी बात नहीं भाई, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, कोई बुरा ना मानने मेरा भाई, सभी के डीजे अच्छे बजे, बस मैं तो अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा। अच्छा अनुज भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि आप जो डीजे का मेला कर रहे हैं, मतलब कावड़ का जो मेला कर रहे हैं, आप कब से लेके जा रहे हो कावड़ में, मतलब अपना डीजे? 2012 में सबसे पहले जो हमारा डीजे ट्रोले के सेटअप पे गया था, ट्रोले पे लगा था, मतलब उसमें शायद बेस तो खैर जब कमी लगती थी, पहले तो कमी 3-4 बेस लगी शायद। रोम प्रवीण नून नगर से डीजे वाले हैं, इनके गाँव से, मतलब इनके दोस्त यार दोस्त अभी मिलकर कावड़ लाए थे, तो उसमें हमारा सामान गया था फ्री में, मतलब फ्री में हमारा था। एक पुनित डीजे नून नगर से भाई, अमित तो भाई है, और रोम पर भी नहीं है, तीन डीजे हमारा सामान, जब तो हम पे कम सामान था तो सबका इकट्ठा हो गया एक जगह। ये कांवड़ 2012 में ऐसा आई थी, उसके बाद 2013 में फिर भोला रोड से गए थे, और 14 में हम गए थे यहाँ से बागड़ी मोहल्ले से बागपत अड्डे से, और 15 में गए थे लाल कुर्ती से विकास भाई हमारे पीएल शर्मा रोड से, 16 में भी शायद उनके यहाँ से गए थे हम, 17 में गए थे भोला रोड से, और 18 में गए थे शायद सदर से, सदर काली माई मंदिर वालों के साथ गए थे, और 2019 में गए थे हम ट्रांसपोर्ट नगर टीबी नगर से, राजू दूध यहाँ एक हमारे भाई बड़े भाई, वो उन्होंने बुक किया था। उसके बाद देखो भाई 2020 में और 21 में जा नहीं पाई लॉकडाउन की वजह से। अच्छा मेरा एक सवाल और है कि जैसे कि आपने देखा 2012 में आप डीजे लेके गए थे हरिद्वार, जी जी, पहले की यात्रा में और जो अब चल रही है, तो यानी के 11 साल बाद, यानी कि 2023 की यात्रा में कुछ फर्क दिखा आपको? जैसे मतलब पहले इतनी वो नहीं थी मारा मारी डीजे की भी और किसी भी चीज की, और पहले इतनी मतलब एक तरीके से जैसे समझ लो बदमाशी तरीके की होगी। पहले बहुत अच्छा कंपटीशन होता था, यानी बहुत अच्छा कंपटीशन होता, और डीजे वालों में आपस में कंपटीशन होने के बाद ना मन मुटाव भी नहीं होता था पहले। हमने 2014 में ट्रोला बैक करके लगा दिया था, हरिद्वार से कांवड़ यात्रा जब आई थी बागड़ी मोहल्ले से डीजे गया था हमारा, तो हमने बैक करके मोड़ के लगा दिया था, कंपटीशन हुआ था हमारा और हरीश डीजे वालों का कंपटीशन था, और भाइयों से भी बहुत हुआ था, लेकिन किससे कभी कोई मन मुटाव नहीं हुआ। अब तो पता नहीं क्या है कि एक दूसरे को मारने को चढ़ जाए, एक तो पहले गलत इशारे नहीं करते थे लड़के पार्टी वाले, अब इतने गलत गलत इशारे करने लगते हैं, एक डीजे बैठा हुआ इशारा गलत कर रहा है तो दूसरा उसे जलन हो जाएगी, आपस में छोटी छोटी बातों से लड़े रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इशारे मत क्या करो। तो मतलब अब ज्यादा, और ज्यादातर इशारे जो गलत करते हैं जो डीजे के ऊपर बैठे रहते हैं ना, हाँ। पार्टी वाले वो करते हैं, तो मैं भाइयों आपसे कहना चाहूंगा आप नीचे जाकर सुनो दोनों डीजे को सुनो, हाँ। और तब बताओ कि कौन सा डीजे अच्छा बज रहा है, आप बैठे हो हमारे डीजे बैठे हो, क्या पता दूसरा डीजे हमसे अच्छा बज रहा है, तो वहां से गलत इशारे मत क्या करो, गलत इशारे तो किया ही मत करो नीचे से भी और ऊपर बैठे हुए कहीं भी मत क्या करो, बेकार सुनो दोनों डीजे अपने आप, देखो पता सबको होता है कि किसका डीजे अच्छा बज रहा है, बिल्कुल आगे कर, लेकिन पार्टी हमेशा भाई यही कहते हैं भाई हम इसलिए तो डीजे के सामने खड़ी रहती है, तो उन्हें नंबर वन बताती है, बाकी बीच में जाकर दोनों डीजे को सुनो और तब बताओ। तो दोस्तों हमारे अनुज भाई एक संदेश आपको पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हमारे अनुज भाई क्या कहते हैं सुनिए। तो भाइयों आज जो मनोहर भाई ने हमारा इंटरव्यू लिया है उसमें बस एक लास्ट बात रह गई, मैं कहना चाहता हूँ हमारे गाँव में गगोल में आसपास में जो भी 2-4 गाँव है मतलब मेरे पास, अगर किसी के यहाँ पे भी बेटी पैदा होती है और वो अगर मतलब डीजे बजवाना चाहे तो 2 टॉप और 1 सेट मेरी तरफ से फ्री, ये नहीं कि 1 दिन के लिए चाहे वो 4 दिन बजावे, तो ये चीज मेरी तरफ से आज से 2 अक्टूबर 2023 है ये चीज मैं वादा कर रहा हूँ, 2 टॉप और 1 सेट उनके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। बेटी की शादी के लिए, शादी के लिए तो देखो वो तो मैंने बोल दिया आपसे, कोई भी गरीब बेटी की शादी अगर अच्छा, उनके यहाँ भी डीजे बिल्कुल फ्री में है, बाकी किसी के अगर बेटी पैदा होती है, बेटी पैदा होती है उसकी खुशी में, जिस भाई को भी खुशी होती है वो डीजे बजाएगा, देखो तो 2 टॉप और 1 सेट मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है हमारे अनुज भाई ने, अगर किसी के बेटी पैदा होती है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं, बहुत से लोग हैं मानसिक प्रवृत्ति के लोग जो बेटियों को बहुत समझते हैं, लेकिन अनुज भाई ने अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल रहेगा भाइयों, किसी भी मैं अब भी कह रहा हूँ किसी की गरीब बेटी की शादी है, देखो उसमें मैं ये भी नहीं कहूंगा कभी कि मैंने उनके हाथ ऐसे बजाया, लेकिन हाँ बिल्कुल मैं अपनी तरफ से डीजे दूंगा और फ्री में दूंगा, किसी का कभी कोई नाम ऐसा नहीं लिया जाएगा,
कहीं पे भी कभी भी भाई। अच्छा, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि मेरठ में किस जगह रहते हैं हमारे अनुज भाई, प्रॉपर पता बताओ। सोप्रिस मॉल से अगर भाई मेरठ में सोप्रिस मॉल पड़ता है, मसूर दैनिक जागरण चौपला जो बिजली बुम्बा बाईपास गया है, बाईपास पर 2.5 किलोमीटर चलने के बाद चौपला पड़ता है, लिसाड़ी गाँव का रास्ता गया है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है देवी अहिल्या बाई के नाम से, और उसके बिल्कुल सामने से हमारे गाँव का रास्ता है, 1 किलोमीटर हमारा गाँव है और पहला घर हमारा ही है। तो आप कभी भी आए, और एक चीज और, कोई भी भाई YouTube चैनल चलाता है अगर कोई भी इंटरव्यू लेना चाहे, सभी का वेलकम है मेरे पास में, सभी को बिल्कुल बराबर प्यार मिलेगा। कोई देखो जैसे भाई के लिए मान लो कोई डीजे वाला, हर कोई एक समान है, ये नहीं कि किसी का पक्षपात है, तो मेरे लिए भी हर कोई यूट्यूबर बिल्कुल एक समान है, किसी से कोई पक्षपात नहीं है। तो दोस्तों अभी मान लो अगली बार मनोहर भाई मिलेंगे हमें, डीजे अगर हमारा हुआ डीजे और मनोहर भाई स्पेशल आए, तो मैं इनका लिए इनका भी मतलब मान सम्मान करूंगा। राकेश भाई को मैंने एक ट्रॉफी दी थी, तो जो भी यूट्यूबर भाई आएगा मेरे पास डीजे की वीडियो बनाएगा, मतलब मैं सभी का मान सम्मान करूंगा, ये नहीं कि किसी एक का ही। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपको अनुज भाई का पता मिल गया लेकिन आपको नंबर नहीं मिल रहा, तो डिस्क्रिप्शन पे मतलब डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख देंगे भैया का नंबर, और डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, तो भाई से किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम हो डीजे से रिलेटेड, या बेटी की शादी में या बेटी हुई है, तो भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। और अभी हम आपको दिखाते हैं भैया का जो डीजे सेटअप है, क्या क्या इनके पास सामान है, सब कुछ दिखाते हैं, भैया की बात सुनो। एक बात और मैं सभी भाई से कहना चाहूंगा, देखो भाई आपको जो भी दर्शक है, आपको अगर किसी आप किसी और डीजे के फैन हो तो आप उसे इस वीडियो में जरूर नंबर वन लिखना कि ये डीजे नंबर वन है, बाकी गलत कमेंट धड़कन डीजे के लिए भाई मत करना, ये आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, ये नहीं कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि करना ही मत, करना मत अपने जो भी आपके जिसकी डीजे के फैन हो उसके लिए गलत मतलब कमेंट लिखो नंबर वन डीजे नंबर वन, लेकिन भाई हमारे के लिए गलत कमेंट मत करना। आपको वीडियो अच्छी लगे या बुरी लगे वो देखो आपकी देखने की, वो है आप किस तरीके से वीडियो को देख रहे हो, सोचने समझने की। बाकी ये चीज जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है बिल्कुल, और दो टॉप में बिल्कुल अलग रखूंगा ये चीज, किसी भी बेटी के कहीं भी कोई बेटी होगी उसके लिए बिल्कुल फ्री, और शादी में भी जो गरीब बेटी है उनकी शादी ना बिल्कुल फ्री में डीजे दूंगा, ये 100% है। दोस्तों ये हमारे अनुज भाई ने एक पहल करी है, मैं ये कहना चाहूंगा जितने भी डीजे वाले हैं हकीकत में ये पहल हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि जो गरीब बेटी होती है उनकी शादी में फ्री में डीजे लगाना चाहिए, और जो हमारे किसी का बेटी होती है उसको दो टॉप और एक सेट फ्री में बजाना चाहिए, और आर्मी में भी जो भाई की जॉब लगेगी जब वो ट्रेनिंग पर जाएंगे जरूर हम गांव से बाहर तक उन्हें देशभक्ति गीतों के साथ छोड़ गएंगे। एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे मान लो साई चलते रहते हैं डीजे बरात में गया अगर, तो तब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है भाइयों, आप ये मत कहना कि भाई हमने तो कॉल की थी आपको आप नहीं आ पाए। जैसा मान लो फ्री है डीजे खाली खड़े हैं कोई शादी के में नहीं जा रहे फिलहाल, तो बिल्कुल डीजे भाइयों 100% मिलेगा बिल्कुल हकीकत है। तो दोस्तों एक सहयोग आप भी कीजिए, हमारे अनुज भाई ने एक पहल कर दी है और आप भी इस पहल को आगे बढ़ाइए। तो अब दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान है भाई के पास। सभी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। और अभी इनके पास क्या क्या सेटअप है, क्या क्या सामान है, हम अनुज भाई से पूछने की कोशिश करते हैं, वो जानते हैं और आपको बताते हैं। तो अनुज भाई आपकी जो ये वाली बेस है ये कितनी है आपके पास? ये वाली हमारे पास 4 है, भगवा कलर जिन पर हुआ आया है, ये इस टाइम ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा हमारी यही बेस है, ये फ्रंट के स्पीकर लगे हुए हैं इन बेसों में, बहुत 4 ये हैं, 2 का कलर हो रहे हैं, 6 बेस हमारे 6 बेस अलग है, वो शायद नीली सी जन हरी सी है, और वो दूसरी जगह रखी है, अभी गाड़ी 2 अलग खड़ी हुई है, एक हमारी ये गाड़ी है बिल्कुल नई, जैसे कि देख सकते हैं इधर एक गाड़ी ये है, इसमें पूरी 10 बेस लगेंगी फ्रंट पे, अभी बात कर रखा है जो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, जो इसमें मतलब जैसे स्पीकर में डस्ट वस्ट चली जाती है तो साफ सफाई के लिए यानी कि इन्होंने सामान उतार के नीचे रखा हुआ है, और अभी आप इधर भी देख सकते हैं। तो ये हमारी 10 इंची की टॉप है, ये वाली नई बनाई है, ये नई है आज काम में, दोस्तों ऐसा हो जाता है अभी गणेश जी के सजाने से बहुत गुलाल उड़ता है, ये हैच बॉक्स है, ये इस पर रंग लगा हुआ है क्योंकि अभी गणेश विसर्जन से होके आए हैं, ये सेट है हमारे, एक बेस है, ये भी बेस है, ये लाइनर है, देखो ये चीज भी हमारी भाई और ट्रेंडिंग में है। दोस्तों ये है जो सबसे अनोखी चीज है इनके पास अभी हाल फिलहाल में, ये जाली, और जाली के अंदर जो है वो अलग ही मामला, वो भी अच्छा बजता है बहुत, वो तो मामला ही अलग है। और ये रखे हुए 4 लाइनर ये रखे हुए हैं, बाकी और 4 लाइनर आगे रखे हुए हैं, सामान ही वहां पे रखा है, अभी आप देख सकते हैं और सामान ये रहा, और अभी उस वाली गाड़ी में भी अभी बहुत सामान है, आप एक गाड़ी देख सकते हैं, एक ये है, वो है, इसमें देखो 8 बेस फ्रंट पर लगी हुई है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे 8 बेस लगी हुई है, और 2 बेस इसमें इसकी उतार के रख दी, बाकी और सामान वहाँ पे इसमें टॉप अंदर भी रखी हुई है। अच्छा ऊपर भी है, अंदर भी टॉप रखी हुई है, इसमें दोस्तों टॉप रखी हुई है, 2 बेस एक्स्ट्रा रखी हुई है, और
आठ बेस इन्होंने लगा के रखी है, दो गाड़ी इनकी और कहीं खड़ी है, यानी कि इन पर टोटल चार गाड़ी है इस टाइम। अभी हम आपको दूसरे जगह का भी सामान दिखाते हैं, कई समथिंग अगर आप अपना डीजे जो ट्रोला लेके आते हैं हरिद्वार से, वो तो अपने ही सामान में लेके आते होंगे, अपने सामान में लेकर टोटल किसी का सामान लेने कोई जरूरत नहीं। एक भाई की लेके थे, देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो सच है वो बोलना चाहिए। चार बेस ले गए थे हम एक जगह से, बाकी सब कुछ अपना था, बाकी उसमें से बच रही थी हमारी बेस, थोड़ी पुरानी हो रही थी, हमने वो लगाई नहीं। मतलब के लिए अपना पूरा प्रॉपर सामान हम पे है, मैनेज करने के लिए लेके गए थे, एक्स्ट्रा में कहीं जरूरत पड़ जाती है। तो दोस्तों ये तो रही यहाँ का जो इनके पास सामान है, अभी हम दूसरी जगह का भी सामान दिखाते हैं आपको। वहाँ पे भी काफी सामान रखा हुआ है, हम स्टैंडिंग के प्रोग्राम बहुत कम करते हैं भाइयों, लेकिन अब करेंगे, बुक भी पकड़ी हुई है काफी, हमने स्टैंडिंग काफी बुक पकड़ी हुई है, वो सब करेंगे हम। बाकी तो हमारे मोबाइल डीजे बोलते हैं, इसके ही ज्यादा काम होते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं दूसरी जगह का डीजे जो इनके दूसरे मतलब घेर में खड़ी है। जी, मोनू भाई है हमारे पार्टनर, मेरे भाई हैं, वो बहुत प्यार है हम दोनों में, तो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे चलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों अभी हमने कहा था कि हम दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे दो गाड़ी और खड़ी है, आप देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं दूसरी जगह जहाँ पे इनकी गाड़ी है और सामान भी है। तो आप देख सकते हैं दो गाड़ी ये रही और दोनों एकदम फिट है, देख सकते हैं आप दोनों में सामान भर के खड़ा है और बिल्कुल एकदम रेडी है। तो हम साइड से आपको दिखा देते हैं, आप देख लो। तो अभी हम अनुज भाई से कुछ पूछेंगे, अनुज भाई इसमें क्या क्या सामान लगा हुआ है? जी आठ बेस हैं दोनों में, अलग अलग छह टॉप रखी हुई है दोनों गाड़ी में, आठ टॉप रखी हुई है। तो जैसे कि देख सकते हैं, और सेट कितने यूज करते हैं आप एक गाड़ी में? एक गाड़ी में आठ और सात लगते हैं, यानी कि हर गाड़ी में यही सेटअप होता है आमतौर पर। तो यानी कि आठ चक्का, ये हमारे 2017 में बने हुए लाइनर थे, हमने आठ लाइनर बनाए थे 2017 में। अच्छा, लाइनर ही पूरा ट्रैक्टर पे टांग दिया, खत्म कर दिया, बहुत अच्छे बजते थे ये भी। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, मतलब भैया ने लाइनर पे लाइनर ही पूरा ट्रैक्टर पे फिट कर दिया एकदम। और अभी हम अभी देखो डीजे की तो टेस्टिंग नहीं, आज इसकी टेस्टिंग सुनाएंगे। अच्छा, आज इसकी टेस्टिंग देखना। और आप ऐसे तो देख ही सकते हैं, मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं, ओल्ड हो गया। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आपने वहाँ पे भी सामान रखा हुआ देखा गाड़ी में से निकला हुआ, और भाई का भी सामान और भी है, एक या दो टाटा का सामान होगा वो जो रखा है, एक टाटा से ज्यादा का है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं, तो चलिए। और जो स्पीकर ये यूज करते हैं 21 इंची के, वो भी हम आपको दिखाएंगे कौन से स्पीकर हैं। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों, धड़कन डीजे, और देखो ये किस इंची के स्पीकर है भाइयों, ये कौन सी कंपनी के स्पीकर है? ये हमारे गुरुजी हैं विशाल खटाना डीजे वाले, उनके हाथ के बने हैं, बहुत अच्छे बजते हैं, कंपनी को टक्कर देते हैं। अच्छा, असेंबल खुद करे हुए उनके भाई। तो ये जो है ये टॉप है, ये 10 इंची की टॉप है, 10 इंची की टॉप है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं यहाँ पे बॉक्स है, हाँ। जैसे पहली तरफ बेस लग रही है, बेस है, बेस लगी हुई है, ये 12 इंची की टॉप है, और ये भी बेस लगी हुई है इधर, लाइनर हो गया। तो ये हैं वो वाले जो कह रहे थे आप, हाँ जी, ये फ्रंट की बेस है, ये फ्रंट की बेस है जो मतलब आप यात्रा में यूज करते हो ज्यादातर, देखो वो भगवा कलर की हो रही है, वो भगवा कलर की हो रही। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनमें भी ये स्पीकर लगे हुए हैं अनुज भाई, हाँ जी, स्पीकर 21 इंची के, नहीं 18 इंची। अच्छा, इनमें 18 इंची है। तो दोस्तों देखो, हमने अनुज भाई का फुल इंटरव्यू करा, फुल डीजे का रिव्यू करा, और आपको दिखाया इनके पास कितना सामान है। इनके पास इतना सामान है कि पूरा ट्रोला एक बहुत बड़े वाला, हालांकि इन्होंने कितना सामान लगाया था अनुज भैया तुमने हरिद्वार में? टोटल 39 जबकि इन्होंने चार बेस एक्स्ट्रा किसी की ली थी, और जो इनके और खुद की जो बेस थी ना पीछे इन्होंने अलग रख रखे थे एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए, हाँ इमरजेंसी के लिए। यानी कि इनके पे इतना सामान है कि एक ट्रोला खुद अपना रेडी कर सकते हैं, बहुत बढ़िया वाला, और जो शायद हर किसी को टक्कर दे के आएगा। तो दोस्तों और भी कुछ दिखा देते हैं, सेट भैया बोल रहे हैं एम्पलीफायर रखे हैं वो, अच्छा ये सेट एम्पलीफायर अलग है। तो तुम्हारा रिपेयरिंग का भी खुद है? अच्छा, मतलब खुद जैसे छोटे बहुत शॉर्ट हो जाते हैं वो कर लेते हैं नेटवर्क वगैरह। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं, ये देखो कितने हाइज के पत्ते रखे हुए ना, ये सब जो ये एक्स्ट्रा ला के रखे हैं, हाइज के पत्ते हैं, कुछ में से खराब रखे हैं, दो चार जो पर रखे हैं खराब है, बाकी नीचे के सब एक्स्ट्रा रखे हैं, बाकी नीचे के एक्स्ट्रा इतने सारे दोस्तों आपने कहीं नहीं देखे होंगे, इतने सारे एक्स्ट्रा हाइज के पत्ते। और ये हाइज के डब्बे, अच्छा हाइज के डब्बे है जो मतलब ऊपर का वो होता है। तो दोस्तों अच्छा, ये जो हाइज है ये कितने वाट की है?
ये शायद 120-100 वाट के करीब की है। अच्छा 100 वाट के, वही 750 या 850 है। और जो आप मिक्सर यूज करते हैं वो कौन से? ये डायना का है, बाकी M6 भी यूज करते हैं हम। अच्छा M, तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर के साथ ये MT 1201 ज्यादा इस्तेमाल करते हो आप, है ना? एक जबरदस्त सेट है हमारे पास 1201 से, लेकिन वो अभी फिलहाल हम दिखाने तो अच्छा चलो दोस्तों, गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। बेस्ट कुछ स्पेशल भी रहना चाहिए। जी बिल्कुल। तो दोस्तों कैसा लगा भाई का डीजे सेटअप और इंटरव्यू, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय।